दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। यदि आप हर दिन 6 घंटे से कम सोते हैं या फिर 8 घंटे से भी बहुत ज्यादा सोते हो तो ये दोनों ही स्थितियां आपकी सेहत के लिए ठीक नुकसानदायक साबित हो सकती है। कुछ लोग बहुत ही कम सोते हैं जिसकी वजह होती है देर रात तक जाकर मोबाइल या टीवी देखना या फिर ऑफिस का काम निपटाना या फिर कोई शारीरिक समस्या के कारण जल्दी नींद नहीं आती। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सारा दिन नींद ही आती रहती है या नींद आने जैसा महसूस होता रहता है। अत्यधिक नींद आना भी सेहत के लिए सही नहीं है। यदि आप 7 से 8 घंटे नींद ले रहे हो उसके बावजूद भी आपको नींद आती रहती है तो ऐसा होने के कारण आपको जरूर जान लेना चाहिए ये कोई गंभीर शारीरिक समस्या भी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको भी दिन भर बस नींद ही आती रहती है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि अधिक नींद आने के क्या कारण हो सकते हैं और इसे दूर करने के क्या उपाय हैं और इसके क्या क्या हानि हो सकते हैं। तो जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। बार बार नींद आती है या सोने का मन करता रहता है तो इस समस्या को हाइपरसोमेनिया कहा जाता है। 7 से 8 घंटे पर्याप्त नींद लेने के बाद भी जब आपको नींद आती रहती है तो ये एक प्रकार का स्लीप डिसऑर्डर होता है। हाइपरसोमेनिया क्या होता है? हाइपरसोमेनिया एक ऐसी स्थिति होती है जिनमें आपको दिन के समय अत्यधिक नींद महसूस होती है। ये रात में देर तक पर्याप्त सोने के बाद भी हो सकता है। हाइपरसोमेनिया को दिन में अत्यधिक नींद आना कहलाता है। हाइपरसोमेनिया एक प्राइमरी या सेकेंडरी स्थिति होती है। सेकेंडरी हाइपरसोमेनिया किसी मेडिकल कंडीशन का परिणाम हो सकती है। जिन लोगों को हाइपरसोमेनिया यानी अत्यधिक नींद आने की समस्या होती है उन्हें दिन में किसी भी काम को करने में परेशानी हो सकती है क्योंकि वे अक्सर थके हुए होते हैं जो एकाग्रता और ऊर्जा के स्तर को प्रभावित कर सकता है। प्राथमिक या प्राइमरी हाइपरसोमेनिया कई बार मस्तिष्क प्रणालियों में समस्याओं के कारण होते हैं जो नींद और जागने के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। वहीं सेकेंडरी हाइपरसोमेनिया उन स्थितियों का परिणाम होती है जो थकान या अपर्याप्त नींद का कारण बनती है। उदाहरण के लिए स्लीप एपनिया हाइपरसोमेनिया का कारण बन सकता है क्योंकि स्लीप एपनिया में रात में सांस लेने में परेशानी होती है जिससे लोगों को कई बार रात में नींद नहीं आ पाती। कुछ दवाइयों के सेवन से भी हाइपरसोमेनिया का कारण बन सकती है। बार बार नशीली दवाइयों और शराब के सेवन से दिन में नींद आ सकती है। अन्य संभावित कारण थायराइड फंक्शन का कम होना या फिर सिर में कोई चोट लगना भी हो सकता है। हाइपरसोमेनिया का खतरा किसे अधिक होता है? जो लोग दिन के समय बहुत अधिक थकान महसूस करते हैं उनमें हाइपरसोमेनिया का खतरा सबसे अधिक होता है। इन स्थितियों में स्लीप एपनिया, किडनी, हृदय, मस्तिष्क की स्थिति, असामान्य डिप्रेशन और थायराइड कम होना आदि शामिल होता है। अमेरिकन स्लीप एसोसिएशन के अनुसार यह स्थिति पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक होती है। जो लोग अल्कोहल, स्मोकिंग का अधिक सेवन करते हैं उनमें भी हाइपरसोमेनिया होने का जोखिम रहता है। अब आइए जानते हैं कि हाइपरसोमेनिया के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बहुत अधिक नींद आती है तो उसे हाइपरसोमेनिया की समस्या हो सकती है। हाइपरसोमेनिया का मुख्य लक्षण लगातार थकान महसूस करना है जिससे ग्रस्त लोग दिन में कभी भी कई दफा झपकी ले सकते हैं। ऐसे लोगों को लंबी अवधि की नींद से जगाने में भी कठिनाई होती है। ऐसे लोगों में थकान के अलावा निम्न लक्षण भी नजर आ सकते हैं। कम शारीरिक ऊर्जा, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, भूख में कमी, दिन भर नींद आते रहना, किसी भी चीज को याद रखने में परेशानी होना या फिर बेचैनी महसूस करना। अब आइए इनके उपाय के बारे में जान लेते हैं कि अत्यधिक सोने से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको रात में अच्छी नींद आए और आप दिन को ज्यादा थका हुआ महसूस ना करें तो आप देर रात तक जाकर टीवी मोबाइल ना चलाएं। समय पर ऑफिस का कार्य खत्म करने की कोशिश करें। रात में सोते समय अधिक हेवी फूड ना खाएं। हल्का फुल्का खाना खाकर ही सोए। शराब, स्मोकिंग की आदत बहुत ज्यादा होती है तो आप कम कर दें। आप कब सोगे या कब जागोगे इसका समय निर्धारित करें। वजन पर कंट्रोल रखें वरना आपको आगे चलकर परेशानी होगी। स्वस्थ खान पान, पौष्टिक चीजों को फूड में शामिल करें। सोने के कमरे का वातावरण शांत हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारी द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।